तो इस गर्मी की छांव बन जाओ, इस गर्मी की छांव बन जाओ, मैं तुम्हारा शहर तुम मेरा गांव बन जाओ। तो दोस्तों जैसे जैसे गर्मियां आती हैं हमारे घरों में रूअफ़ज़ा सबसे पहले आना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से रूअफ़ज़ा जो है ऑलमोस्ट सभी के घरों में सर्व किया जाता है जैसे गर्मी आती हैं। तो रूअफ़ज़ा से एक ऐसा नया ड्रिंक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगी और किस तरह से ये ड्रिंक बनेगा और इस ड्रिंक का नाम क्या है। सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये ड्रिंक का नाम है वो है रोज़ मोहितो। रोज़ मोहितो इस ड्रिंक का नाम है। इसमें क्या क्या सामान हम डालेंगे, कैसे बनेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हमें क्या क्या सामान, क्या क्या सामग्री चाहिए, पहले मैं आपको वो सब दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए पुदीना। पुदीना मेक श्योर कि पुदीना जो ना बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए, तभी आपका जो ये ड्रिंक है ये अच्छा बनेगा। अगर पुदीना आपका ताज़ा नहीं है तो उतना फ्लेवर नहीं आ पाएगा। सो ध्यान रखिएगा, जो फ्लेवर है वो पुदीने की वजह से आने वाला है। सो पुदीना बहुत ही फ्रेश होना चाहिए। अच्छा, पुदीना एक ऐसा नेचुरल कूलेंट होता है जिसका फ्लेवर तो हर किसी को भाता ही भाता है, साथ ही साथ ये बॉडी में बहुत अच्छी ठंडक देता है। ठीक है, तो आपको जो पुदीना है वो इसमें ज़रूर ऐड करना है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है, देखने में तो अजीब सी लग रही है, लेकिन ये होता है गूंद कदीरा। इसका मैंने रॉ फॉर्म यहाँ पे रखा हुआ है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये रॉ फॉर्म में गूंद कदीरा है। ये जंगलों में पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की जो गूंद होती है, जो गम होती है, ये उस चीज़ से बनता है। सो यहाँ पे मार्केट में बड़े ईजिली मिल जाता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे आप बड़े ईजिली इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो इसको करना क्या होता है, हम लोग इसको रात को जैसे भिगोते हैं, हमको चाहिए कितना, आपको सिर्फ ये दो या तीन अगर इसके आप दाने ले लें इतने से, और इसको और आप भिगो के रख दें तो ये इतना बन जाएगा। आप सोचिए सिर्फ दो या तीन दाने डालने से, उसमें पानी डालने से इतना बन जाएगा कि आपके कम से कम तीन या चार गिलास का जो ड्रिंक है वो इससे बन सकता है। तो काफ़ी जो ये गूंद कदीरा होता है यूज़ करने में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी थोड़ा यूज़ होता है, दो तीन दाने से इतना सारा बन जाता है। तीसरा इसमें हमें चाहिए शुगर, चीनी जो कि मिठास के लिए चाहिए होती है, आपको पता ही है। और उसके बाद चाहिए नींबू, दो नींबू ले लिए हमने यहाँ पे, और एक चाहिए हमें रूअफ़ज़ा की बोतल, और साथ में चाहिए सोडा। ये सोडा जो नॉर्मल सोडा मार्केट मिलता है वही सोडा है, कैच का सोडा है, ये सोडा चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमारा जो ड्रिंक है वो तैयार होने वाला है। तो मैं आप सभी को ये ड्रिंक तैयार करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च, बिल्कुल इतनी सी डालनी है। उसके बाद डालेंगे जो ब्लैक सॉल्ट होता है, थोड़ा ये डाल देंगे, ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा डालना है। सबसे पहले नींबू निचोड़ लेते हैं। तो नींबू हमने निचोड़ लिया है, अब हम लोगों को चाहिए चीनी। और चीनी हम लोग इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नींबू है ऑलरेडी, तो वो घुलती नहीं है, इसलिए इसको हम अलग से घोल के रख लेते हैं। तो चीनी हमें कितनी चाहिए, जितना आप अपने स्वाद अनुसार चीनी जो है वो ले लीजिए। आपको अगर एक ये मग बनाना है उसमें आप 2 चम्मच चीनी या 1.5 चम्मच चीनी डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। सो हमारी जो चीनी है वो घुल चुकी है, अब हम चीनी का जो हमने ये सिरप बनाया है इसको डाल देंगे इसके अंदर। ये हमारा चीनी का घोल आ गया। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा रूअफ़ज़ा।
इसके बाद डालेंगे इसमें हम कैच सोडा, कैच सोडा जो है वो ठंडा होना चाहिए एकदम चिल्ड, अब जो सोडा है वो लीजिएगा तभी इसमें आपको पीने का जो मज़ा आएगा। उसके बाद हम लेंगे इसमें पुदीना के पत्ते, ये आपको फ्लेवर के लिए डालने हैं सिर्फ, और ये जो आपका रोज़ मोहितो बनेगा इसको थोड़ी देर आप फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि जो हमने पुदीने के पत्ते डाले हैं उसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ सके। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें गूंद कतीरा, गूंद कतीरा हमें इसमें डालना है 2 चम्मच। ये आप जितना भी डालेंगे इसमें कोई कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो गूंद कतीरा होता है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे आपका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपके हाथ में पैर में खुजली होती है किसी तरह की इरिटेशन होती है वो इससे दूर हो जाती है, तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आइस, एकदम चिल्ड जो है हमारा मोजीतो तैयार होगा, तो इसमें हम लोग डालेंगे आइस। उसके बाद इसमें अगर आपको अपने किसी गेस्ट को सर्व करना है तो इसमें आप नींबू जो है गार्निश करने के लिए आप लगा सकते हैं, सजाने के लिए इसको आप एक नींबू गोल काट के यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सो देखिए कितना अच्छा जो है ये रोज़ मोहितो तैयार हुआ है और देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा एक डिलीशियस एक ड्रिंक बना हुआ है। इसके बाद इसको आप धीरे धीरे मिक्स कर लें ताकि जो रूह अफ़ज़ा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो दोस्तों हमारा ड्रिंक बनके तैयार हो गया है, आप भी ये ड्रिंक अपने घर पे बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।